हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग क्लास फर्स्ट में पल्लव बुक में हिंदी सेकंड जो है उस बुक में आज हम लोग चैप्टर टू का रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आप अपनी रिवीजन कॉपी ओपन कर लीजिए और पेंसिल इरेजर अपने पास रख लीजिए। हिंदी सेकंड की बुक में चैप्टर टू का आज हम रिवीजन करेंगे। कल हमने चैप्टर वन का रिवीजन किया था। चैप्टर टू में है आ की मात्रा से। मैंने बताया है बच्चों कि आ की मात्रा से दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले शब्द कैसे बनते हैं, उनको कैसे जोड़ करके लिखा जाता है, ये सब आपको कराया गया है। उसी के बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगी, उसको आपको करना है। इसमें एक क्वेश्चन है जोड़ करके शब्द बनाने के लिए और दूसरा क्वेश्चन है समझिए और लिखिए, ठीक है। तो आज हम इसी क्वेश्चन को करेंगे। सब अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए। सबसे पहले बच्चों आप डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने के बाद लिखेंगे हिंदी सेकंड रिवीजन, ओके, पार्ट दो, आ की मात्रा। यही लेसन का नाम है आ की मात्रा, इसी का रिवीजन करना है हमें। तो आइए हम अपनी कॉपी में आप लिखिए। पहला है जोड़ कर शब्द लिखे। यहाँ पर कल हमने बिना मात्रा के जो शब्दों को जोड़ के लिखा था, आज हम आ की मात्रा को जोड़ करके शब्दों को बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मैंने लिखा है पहला है मा, धन आ की मात्रा, धन ल, धन आ की मात्रा। इसको मिलाकर के जो शब्द यहाँ बनेगा उसको हम यहाँ पर भी लिखेंगे, ठीक है। दूसरा है र, धन आ की मात्रा, धन ज, धन आ की मात्रा। इसको जोड़ करके यहाँ पे आप लिखेंगे। तीसरा है ब, धन आ की मात्रा, धन द, धन ल। इसको जोड़ करके यहाँ लिखेंगे। ग म, ग धन म, धन ल, धन आ की मात्रा। इसको जोड़ करके यहाँ पे आप शब्द लिखेंगे। इसके बाद है ज, धन आ की मात्रा, धन न, धन व, धन र। इसको जोड़ करके यहाँ शब्द बना के लिखेंगे। फिर है ट, धन म, धन आ की मात्रा, धन ट, धन र। फिर आप इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे आपको जोड़ करके शब्द बनाने हैं, यहाँ आप बना के लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे आपकी इसमें क्या करना है। इसमें करना है आपको ये है, ये जो आपका बन जाएगा तो इसके बाद आप लिखेंगे। दूसरा है समझिए और लिखिए, ठीक है। यहाँ पर मैंने जो समझिए और लिखिए को आपको बताया है वो आप इस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए और लिखिए में है पहला है जल। यहाँ मैंने जल लिख दिया है। अब जल से मैंने यहाँ पे दो शब्द बनाया है। एक बना दिया ज, जब पे आ की मात्रा जाल, जाल। और दूसरा बनाया ज, जब पे आ की मात्रा जा, ल, जब पे आ की मात्रा ला, जाला। दो शब्द आपके बन गए। अब यहाँ पे इसी बेसिस पे, इसी के जैसे मैंने यहाँ बनाया जल से जाल और जाला बन गया, वैसे दूसरा लिखा है मत, मत, मत लिखा है। तो मत से ही आप ऐसे ही शब्द बना लेंगे। एक में आ की मात्रा एक लगी है, एक अक्षर पे लगी है, पहले अक्षर पे आ की मात्रा लगी है और दूसरे में दोनों अक्षरों पे मात्रा लगी है। ये एक्सरसाइज आपको बुक में कराया गया है, उसी के आधार पर इसे आपको दो नए शब्द बनाने हैं मत से, ठीक है। तीसरा है पर, पर से आपको दो शब्द बना देना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको शब्द बनेगा वो यहाँ पे आपको लिखना है। चौथा है थन, इससे भी आपको दो शब्द यहाँ पर बनाने हैं। और इसके बाद पांचवा है खन, खन से भी आपको दो शब्द बनाने हैं। तो बच्चों ये जो है ये जोड़कर शब्द लिखना है और जो एक्सरसाइज है मैंने बता दिया, इसको समझना है और लिखना है। इसको अपनी कॉपी में आपको करना है। इसको एक पेज पे नहीं करेंगे, एक पेज पे आप लिखेंगे जोड़कर शब्द बनाइए। जब आप लिखेंगे जब फर्स्ट लाइन आप लिख लेते हैं उसके बाद आप वन लाइन लीव करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप ये लाइन लिखेंगे, उसके बाद आप एक लाइन लीव करेंगे, फिर ये लाइन लिख देंगे, फिर ये लाइन लीव करेंगे। जैसे लिखेंगे उसके बाद वन लाइन आपको लीव करना है, उससे आपकी राइटिंग क्या होगी, बहुत ही नीट एंड क्लीन दिखाई देगी और सुंदर लगेगी, ठीक है। इस तरह से ही आपको करना है, बिल्कुल नीटली वर्क। उसके बाद ये देखिए समझिए और लिखिए में भी यही आपको प्रोसेस है। आप जल लिख देंगे, उसके सामने आप दो ये ब्लैंक खाली छोड़ेंगे, उसमें आपको ये लिखना रहेगा फिर करने के लिए, ठीक है। एक साथ नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे, थोड़ी दूरी बना करके लिखेंगे दो शब्दों के बीच में, थोड़ी सी हम दूरी बना के लिखेंगे, जिससे हमारी राइटिंग क्या होगी, वो सुंदर होगी और साफ होगी, ठीक है बेटा। तो ऐसे ध्यान देंगे सब बच्चे। अपनी कॉपी में ओपन करिए, पहले आप लिखिए जोड़कर शब्द बनाइए, लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ऐसे ही वन बाई वन आप लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे, यहाँ पे आइए सेकंड पेज पे आप लिखिएगा समझिए और लिखिए, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। और जो आप इसको लिखने के बाद अपने पेरेंट्स से आप इसको चेक करा लेंगे एक बार कि आपने सही किया है वर्क या नहीं किया है, ठीक है बेटा। उसके बाद आप चैप्टर थ्री का जो है जो आपका होमवर्क है
वो है चैप्टर 3 छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा देखिए पेज नंबर 14 है और पेज नंबर 15 है। इसकी जो एक्सरसाइज है इसको भी आप बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे और मात्राओं से दो अक्षर वाले शब्द, तीन अक्षर वाले शब्द और चार अक्षर वाले जो शब्द बनेंगे उनको जोड़कर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। इसी का टेस्ट आपको मंडे को होगा, सब इसके लिए प्रिपेयर कर लेंगे पूरा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।